ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के तत्वावधान में आज से लगभग 2 माह पूर्व COVID-19 के बाद बस सर्विसेज शुरू की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हर माह नई बसें शुरू की जाएगी। बसों की हालत देखने के बाद ये मुश्किल होगा कि सभी बसें जल्द चालू हो पाएगी। दुर्ग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के द्वारा संचालित सिटी बसों को कोरोना काल के बाद 15 दिसंबर 2022 को दुर्ग से कुम्हारी, दुर्ग पाटन, भिलाई दुर्ग व अन्य मार्गों के लिए 10 सिटी बसों को फिर से संचालित किया गया था। निगम आयुक्त और महापौर के द्वारा अपने उद्बोधन में ये कहा गया था कि आने वाले 15 दिनों के भीतर और भी 10 से 15 सिटी बसों को तैयार कर नागरिकों को सौंपा जाएगा। हर महीने 10 से 15 बसों को धीरे धीरे करके स्टार्ट करें। 10 बसों से शुरुआत होगी, टोटल 69 बसें हैं। धीरे धीरे करके ये बसें फिर से रोड पर आएंगी, जिससे हमारे पूरे दुर्ग जिले की लगभग 20 लाख की आबादी है, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन आज 1.5 माह बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन व दुर्ग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के द्वारा और सिटी बसों को संचालित नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सुपेला स्थित बस डिपो में लाखों रुपए की सिटी बसें खड़ी होकर कंडम हो रही है। एसीएन न्यूज की टीम ने जब ये बस डिपो का जायजा लिया तब देखा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ बसें खड़ी हुई हैं। इन सैकड़ों की संख्या में खड़ी बसों के किसी भी बसों के पहिए नहीं हैं और न इंजन खोलकर पिस्टन अन्य चीजें चोरी भी की जा चुकी है। यहाँ बता दें कि सुपेला स्थित बस डिपो में सुरक्षा के लिए गार्ड व सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद बसों के पहिए व इंजन खोलकर पिस्टन जैसे अन्य जरूरी सामान को चोरी कर लिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नगर निगम के आयुक्त जो ये बातें खुद उन्होंने कही वो कब तक इस बात को चरितार्थ करते हैं और बसों की हालत को देखते हुए ये लगता तो नहीं कि ये बहुत जल्दी सड़कों पर दौड़ पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।